Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel Learn English with Akbar Hussain. Our today's topic is run-on sentence and comma splices. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है run-on sentences and comma splices. So first of all we will discuss clause and its types. जैसे कि आपको मालूम है दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ये जो हमारा टॉपिक है इसमें सिर्फ हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है. लेकिन और इसमें जो जो हमारा टॉपिक है उससे वो रिलेटेड सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज से है. डिपेंडेंट क्लॉज असल में होते क्या है इसको समझना भी ज़रूरी है. डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो किसी और अदर क्लॉज पर डिपेंड करते हैं और ये इनकम्प्लीट आइडिया देते हैं और ये कभी भी अकेले सेंटेंस नहीं हो सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, व्हेन द प्रेजिडेंट अराइव्स, जब प्रेजिडेंट पहुँचेगा क्या होगा. देखें आप, इनकम्प्लीट सेंटेंस है. बिकॉज आई कांट वेट फॉर द सब बस, ये देखें ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता बस का, वजह इनकम्प्लीट सेंटेंस है. अनटिल द सन सेट्स, जब तक सूरज ग्रुप नहीं होता, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो ये हमेशा आगे वाले सेंटेंस पे क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, दैट्स वाई इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. और इसमें जो है एक आसान तरीका पहचानने का ये भी है कि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है वो इसमें पहले आते हैं, जैसे कि वैन, बिकॉज, अनटिल. नाउ बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट आइडिया देता है और ये अकेला सेंटेंस हो सकता है. इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस एंड इट गिव्स अ कंप्लीट आइडिया एज वेल. शी वॉन्ट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती है. और ये बात बता दूँ ये अकेला सेंटेंस ही होता है, ठीक है, ये सेंटेंस ही होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारा प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द घूमता है. चीता आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, चीता जो है फास्टेस्ट लैंड एनिमल है. सो इन शॉर्ट आज का जो हमारा टॉपिक है रन ऑन सेंटेंस एंड कॉमा स्प्लैचेस, तो उसमें बात करते हैं हम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज की. ये खैर हमारा टॉपिक नहीं था, ये मैंने आपको इस तरीके से रिवीजन करवाया है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस का. अब देखते हैं हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं रन ऑन सेंटेंस एंड कॉमा स्प्लाइसेस. रन ऑन सेंटेंस एंड कॉमा स्प्लाइसेस आर द कॉमन पंक्चुएशन एरर. ये दोनों ही एक एरर होते हैं. अगर कोई आपसे पूछे रन ऑन सेंटेंस एंड कॉमा स्प्लाइसेस क्या है, तो ये एक आम पंक्चुएशन एरर है, ये एक पंक्चुएशन एरर है. That can create confusion in your writing. ये confusion पैदा करते हैं, इसीलिए इसको remove करना, इसको fix करना बहुत ज़रूरी होता है. तो अब पहले मैं आपको बताऊँगा ये problem क्या होती है. ये दोनों का solution जो है वो एक ही है, दोनों को fix हम एक ही तरह से करते हैं. पहले आप समझे run on sentence कौन सा error होता है, comma splices कौन सा error होता है. चले हम बात करते हैं. run on sentence occur when a writer puts no mark of punctuation. रन ऑन सेंटेंस जब होता है जब राइटर किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं डालता. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल ऑफ अ रन ऑन सेंटेंस क्या है, द फ्लावर्स. इससे एक वर्ड फ्लावर है, इसकी अमेरिकन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है फ्लॉ और अमेरिकन है फ्लावर. सो फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं. दे ब्राइटन द रूम, वो रूम को ब्राइटन कर देते हैं, चमकदार बना देते हैं. तो देखें दो अलग अलग जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इनको ना ही किसी पंक्चुएशन मार्क से नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो ये कहलाते हैं रन ऑन सेंटेंस. कोई भी आपसे पूछे रन ऑन सेंटेंस क्या होते हैं, रन ऑन सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, ये वो एरर होता है, ठीक है. और आगे लिखा हुआ है एंड नो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ना ही कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इसके अंदर. अब बात करते हैं हम कॉमा स्प्लाइसेस की. सो कॉमा स्प्लाइसेस क्या होता है, कॉमा स्प्लाइसेस अकर व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंड बाय जस्ट अ कॉमा एंड नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो ये वो एरर होता है, इसमें हम कॉमे का गलत इस्तेमाल कर देते हैं, इसमें हम कॉमे का गलत इस्तेमाल करते हैं. किस तरह से, जैसे फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल कॉमा दे ब्राइटन द रूम. देखिए कॉमा कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान नहीं आता है. जैसे कि द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और द ब्राइटन द रूम ये अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनके दरमियान कभी भी कॉमा नहीं आता. कॉमा हमेशा एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान आता है. तो मैं आपको पहले दोनों एरर समझा चुका हूँ. पहला एरर हमारा है कि कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जैसे कि आप देखें रन ऑन सेंटेंस
और कॉमा स्पेसिस में दोनों एरर मैंने आपको दिखा दिए हैं। दोनों एरर में क्या है, पहले आप दोनों को एरर को समझना है। पहले रन ऑन सेंटेंस में एरर ये होता है कि इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, जैसे कि आप एग्जाम्पल के अंदर देख रहे हैं, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, नो पंक्चुएशन मार्क, दे ब्राइटन द रूम। और कॉमा स्पेसिस में क्या होता है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल कॉमा दे ब्राइटन द रूम, ये कॉमे का गलत इस्तेमाल को कहते हैं कॉमा स्पेसिस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दोनों को एरर को समझ लिया। अब इन दोनों को फिक्स करने का तरीका सेम है, वैसे पांच तरीके हैं लेकिन थ्री थ्री जो है वो मोस्ट कॉमन तरीके हैं जो आज हम इसमें सीखेंगे। मैंने पहले रन ऑन सेंटेंस और कॉमा स्पेसिस की एग्जाम्पल्स ऊपर लिख दी, फिर इनके तीन अल्टरनेटिव बता दिए कि इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दे ब्राइटन द रूम, ठीक है। तो पहले आप ऑल्टरनेटिव चेंजेस दे देखें, पहली ऑल्टरनेटिव चेंजेस में क्या है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। आप सबसे पहले इसको फिक्स करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इसमें फुल स्टॉप लगाया, पहले एग्जाम्पल में हम देखें फुल स्टॉप लगाया, और नेक्स्ट क्लॉज का जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर आपने चेंज कर दिया, दे को टी को कैपिटल कर दिया, दे ब्राइटन द रूम। तो पहला आप इस तरह से फिक्स करते, दोनों को सेंटेंस को अलग अलग तरीके अलग अलग बना दें, फुल स्टॉप लगाकर उसे कैपिटलाइज कर दें। तो ये एक तरीका होता है रन ऑन और कॉमा स्पेसिस को सही करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखें, फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल सेमी कॉलन दे ब्राइटन द रूम। ये आपको याद रखना है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान सेमी कॉलन लगता है, इसमें कॉमा नहीं लगता है, तो आप सेमी कॉलन लगाकर भी ठीक कर सकते हैं। थर्ड वे क्या है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कॉमा लगे रहने दें, आप कोई भी फैन बॉयज कंजक्शन यूज कर सकते हैं जो सुटेबल हो। फैन बॉयज कंजक्शन क्या होता है, जैसे एफ फॉर फोर, ओ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नीदर नोर, और बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, एंड एस फॉर सो। सो जो भी सुटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, या उसको फैन बॉय कंजक्शन भी कहते हैं, वो होगा, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं सुटेबल। देखें, आपने फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल कॉमे को लगा रन दिया, और कोई भी आपने यहाँ पे देखें, आप यहाँ पर आपने एंड यूज कर लिया, एंड दे ब्राइटन द रूम। थ्री वेज हैं। पहला वे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने फुल स्टॉप लगाकर कैपिटल कर देना है, सेकंड आपने सेमी कॉलन लगा देना है, थर्ड फुल स्टॉप कॉमा लगाकर आपने कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देना। दीज आर थ्री वेरी कॉमन। सो अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए, मैं बस और भी एक एग्जाम्पल है, रन ऑन सेंटेंस एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप इसमें मेरा साथ दीजिएगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अंजलि ब्रॉक हर मॉम्स फेवरेट वाज, अंजलि ने अपनी अम्मी का फेवरेट गुलदान तोड़ दिया। शी ट्राई टू ग्लू इट बैक टुगेदर, तो उसने इसको सही जोड़ने की कोशिश की। ग्लू इट बैक टुगेदर का मतलब होता है जोड़ने की कोशिश की उसको। अब ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये रन ऑन सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई कॉमा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया। फर्स्ट वे देखें, अंजलि ब्रॉक हर मॉम्स फेवरेट वाज, फुल स्टॉप, देन शी के ऐसा कैपिटल किया, शी ट्राई टू ग्लू इट बैक टुगेदर। पहला तरीका कि दोनों को हमने अलग अलग सेंटेंस बना दिया। सेकंड, अंजलि ब्रॉक हर मॉम्स फेवरेट वाज, सेमी कॉलन लगाया हमने, शी ट्राई टू ग्लू इट बैक टुगेदर, ठीक है। सेमी कॉलन लगाएंगे तो कोई कैपिटल लेटर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड, अंजलि ब्रॉक हर मॉम्स फेवरेट वाज, कॉमा लिख रन दिया हमने, फिर हमने इसमें सो लगा दिया, वी पुट सो, सो शी ट्राई टू ग्लू इट बैक टुगेदर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। नाउ जस्ट लुक वन मोर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बटर स्कॉच पुडिंग। बटर स्कॉच पुडिंग असल में एक स्वीट डिश का नाम है, बटर स्कॉच पुडिंग, और टायर्ड ऑफ का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है उकता जाना। मैं कह रहा हूँ आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बटर स्कॉच पुडिंग, मैं थक गया हूँ, उकता गया हूँ बटर स्कॉच पुडिंग खाकर। लेट्स लीव द डिजर्ट फेस्टिवल, डिजर्ट फेस्टिवल कहते हैं मीठे खाने की पार्टी को कहते हैं, जिसमें मीठा खाना होता है, हर तरीके से स्वीट डिश होती है। तो वो कहते हैं कि चलो छोड़ो उस पार्टी को, लेट्स लीव द डिजर्ट फेस्टिवल, अब जो है मैं उकता गया हूँ बटर स्कॉच पुडिंग खा खाकर। तो अब इसमें देखें कॉमा का गलत इस्तेमाल हुआ है दो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में। तो अब देखें मैंने दोनों तरीके से इसको ठीक किया हुआ है। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बटर स्कॉच पुडिंग, पहले मैंने सेमी कॉलन लगा दी, सेमी कॉलन लग सकता है, सेमी कॉलन लगा के सही किया, लेट्स लीव द डिजर्ट फेस्टिवल। सेकंड में मैंने आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बटर स्कॉच पुडिंग, मैंने फुल स्टॉप लगाकर कैपिटल लेटर कर दिया, लेट्स लीव द डिजर्ट फेस्टिवल। थर्ड में आप देखें आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग बटर स्कॉच पुडिंग, इसमें मैंने कॉमा लगाकर आपको फैन बॉयज कंजक्शन जो सुटेबल था, सो लेट्स लीव द डिजर्ट फेस्टिवल कर दिया। तो इस तरह से तीन कॉमन जो है तरीके हैं जो आप इस तरह से कॉमा स्पेसिस को चेंज कर सकते हैं।
So I hope you have understood this topic. If you have any questions, so you can ask me in comments box, and don't forget to subscribe my channel if you are new on my channel. Thank you very much for watching this video, and don't forget to like, share this video.